हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास सहित दिल्ली एनसीआर में 30 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने छापेमारी की। जिस समय यह छापेमारी हुई उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर में ही मौजूद थे। रोहतक के अलावा दिल्ली व एनसीआर में 30 अन्य जगहों पर भी एक साथ छापेमारी की जा रही है। गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी में हमले की साजिश नाकाम, राजघाट से 2 जैश आतंकी गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहे जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे एक बड़ा संभावित हमला टल गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर श्रीनगर में हाल ही में हुए सिलसिलेवार ग्रेनेड हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल लतीफ गनाई को सोमवार को गिरफ्तार किया है। सेना और छात्रों के सैटेलाइट कलाम सेट और माइक्रोसेट आर को लेकर पीएसएलवी C-44 अंतरिक्ष में रवाना। इसरो ने 2 उपग्रहों के साथ पीएसएलवी C-44 का श्रीहरिकोटा केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो का यह इस वर्ष का पहला मिशन है जिसमें 700 किलोग्राम वजनी इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसेट और कलाम सेट उपग्रह शामिल है। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने भारत पहुंचे दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। भारत में इस बार गणतंत्र दिवस पर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा मुख्य अतिथि होंगे। रामफोसा परिवार सहित दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार है जब गणतंत्र दिवस में किसी अफ्रीकी नेता को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज ओडिशा दौरे पर, रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को ओडिशा में एक रैली के संबोधन के साथ पार्टी की चुनावी रैली की शुरुआत करने वाले हैं। राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार कई दौरों के बाद राहुल का यहां दौरा हो रहा है। उनका यह दौरा राज्य में पार्टी के डार को एकजुट रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पार्टी के 2 विधायकों सहित कई वरिष्ठ नेता हाल ही में कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी दिल्ली।